आज हमारे डिमासो काउंसिल एम्प्लॉय यूनियन जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, कारण है कि सभी जानते हैं हमारा अभी 10 मंथ्स अभी पेंडिंग सैलरी हुआ है। उसी 10 मंथ्स पेंडिंग सैलरी में जो चर्चा होते होते आज तक ये पहुँचा है, तो आप सब जानते हैं ऐसे पूरी बार जो चलाते हैं यहाँ का लोग अभी दो महीना से, अगर दो महीना अगर होता था कि पुरुष का लोग इधर उधर रिश्तेदार का साथ लेकर के वो फैमिली मेंटेन्स कर सकता था, उसी का जगह में अभी हो गया है 10 महीना हो गया। तो 10 महीना का इमेजिन भी कर नहीं सकता, अभी इतना तो ठूले हो रहा है। तो उसका वजह से इसी का प्रॉब्लम लेकर के इसका दुख सुख हमारा दिमाग हासक बासे और जितना भी प्रिय दोस्तों है उसको मैं नमस्कार करते हुए आज सबको भी मैं बताना चाहता हूँ कि 10 महीना जो पेंडिंग चल रहा है उसको हम लोग परमानेंट सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो परसों दिन यानी कि हमारा जो अथॉरिटी श्याम सर ने जो बताया है BRS, तो BRS उसको भी ठीक है, हम लोग उसको भी हम लोग एक्सेप्टेबल है, उसको भी हम लोग मानते हैं। पर भी वो BRS जो है एक फैगेस होता है ग्रान इट ऐसे, क्योंकि हम इससे ये तो हर साल भी हम लोग मिलते हैं, कहीं साल कम कहीं साल ज़्यादा ये मिलता है, फिर भी उसी तो हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हमारा मांग वो है कि आने वाला जो असेंबली सेशन में असेंबली जो बजट होता है उसमें वो BRS को भी पास करना है, और जो हमारा जो है द एबव इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फ्रॉम ऑफ माउस प्रोमिस MOU और MOS, वी डिमांड डेट द गवर्नमेंट ऑफ आसाम शुड पास एन एक्ट इन द असेंबली बाई कूलिंग स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली मस्ट बिफोर द काउंसिल इलेक्शन। मतलब कि इलेक्शन का पहले जैसे जो आसाम बजट में जो पास करेगा BRS के भी, उसी जगह में एक आप सब मिलकर के एक लॉ बनाएगा, एक्ट बनाएगा जहाँ पे हमारा डिमा हासो एम्प्लॉय लोगों परमानेंट सोल्यूशन हो सके, जहाँ साल में एक महीना भी हो दो महीना भी हो, अगर 12 महीना में अगर 12 महीना मिलता तो और भी अच्छा है। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारा श्याम सर को, सर्वानंद सोनवाल जी को और हमारा हिमंत विश्व शर्मा जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मीडिया का द्वारा आने वाला असेंबली बजट में ये एक लॉ बनाए स्पेशली डिमासों के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, और BRS तो मास से हम लोग वो चर्चा चल रहा है, अभी कोई लेगा व कोई नहीं लेगा। आसाम गवर्नमेंट ने ग्रान इट जो फंड दिया था 25 करोड़ को, तो उसे दिया देने का बावजूद भी यहाँ 10 करोड़ वहाँ माइनस हो चुका है, की में वो लोग डाइवर्स किया है स्पेशल वो सैलरी के दिया था। फिर हम सब है अभी 10 महीने का अभी पेंडिंग सैलरी हो रहा है, तो उसी का उसमें देना चाहिए था, फिर उसी पैसा को आप ही दिया हुआ पैसा को फिर आप ही रिटर्न लेके जा रहे हैं, ऐसे माफी हम लोग समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे आसाम को चला रहा है फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए आप दिया हुआ को फिर रिटर्न लेके जाना, ये शोभा नहीं देता। हमारा जो डिमा हासो का जो परिवार है कैसे गुजरते हुआ है आप सब जानते हैं, आप देखिए घर घर में जाकर के देखिए, बच्चा स्कूल पे दे नहीं पाता है, बच्चा पेंसिल रोबर खरीदने नहीं पाता है, माई बाप रो रो के चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है। तो उसी का बावजूद है आप लोग दिया है फिर भी उसको अब लेके जाना, ये शोभा नहीं देता है। डिमासा रहता है यहाँ, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहाँ से जो मेला हुआ है 1952 का बाद ही मेला हुआ है, और खुबी भी ऐसे नहीं हुआ है कि 10 महीना ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उठ गया है। तो फिर इसी तरह तो अभी कभी भी खी में नहीं हुआ होगा, फर्स्ट टाइम इसी डिमासों में हुआ है हमारा जो जानकारी मुताबिक। उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने जो दिया था 25 करोड़ को, फिर उसी को 10 करोड़ डाइवर्सन देखे, 10 करोड़ को जो ड्राइवर देखे जो आधा आधी जो सैलरी दिया, तो वो क्या उसको ही तो क्या ये जीरो टॉलरेंस बोलता है क्या, उसको ही तो क्या गवर्नमेंट प्री करप्शन उसको ही बोलता है क्या। इसके लिए
मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते हम यहाँ छोटा सा डीमा हासिल से हम लोग यहाँ से आपको प्रणाम करता है। यहाँ से आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ के भी थोड़ा सा देखिएगा। 2017 जुलाई जुलाई महीना को जो 18 तारीख में हमारा 9 महीना का जो वेतन नहीं मिलता था उसके बावजूद एम्प्लॉय लोगों ने जो धारणा किया था वो धारणा किया है अपना हक को मांगा है उसी समय में सस्पेंशन किया गया है। तो सस्पेंशन किया है वो फास्ट लेडर को सस्पेंशन किया है तो वो सस्पेंशन आज तक एक साल से ऊपर हो गया तो आज तक भी उनको रिवोक नहीं किया है। इसके लिए जो डीमा हासव का जो पीएस है 200 यहाँ जो पीएस सेक्रेटरी बैठा हुआ है इसलिए मैं मीडिया के द्वारा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का कौन से संविधान में लिखा हुआ है, आप लोग का कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कौन से लॉ में लिखा हुआ है। आज तक भी कुछ उनका कोई गड़बड़ है ही नहीं उनकी। तो अपना हक को मांगने में सस्पेंशन किया गया है आज तक भी एक साल भी हो गया आज तक भी उनको रिवोक नहीं किया है। आप लोगों को कौन से संविधान में लेकर के उसको रिवोक ये सस्पेंशन किया है आज तक भी रिवोक नहीं किया है उनका भी हम लोग का तरफ हम लोग को जवाब दीजिएगा हमारा डीमा हाउस एम्प्लॉय को। सर इसी तो अभी देखिए यहाँ जो एम्प्लॉय लोगों 500 रुपया नोट फास्ट 10 महीने से देखा ही नहीं है इसलिए सुनने के पहले तो लगा लग जितना भी एम्प्लॉय लोगों ने सब भी मन खुशी हुआ कि हाँ अगर 10 महीने का अगर मिलता है तो कोई ऑटो खरीदना है कोई स्कूल भी देना है कोई ऐसे बहुत ड्रीम बना लिया है। फिर भी खाल जो सुनने का बात ऐसे लगा कि अभी ये हुआ ही नहीं है अभी जस्ट शुरुआत किया है। तो श्याम सर ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर सी मिनिस्टर साहब से वो बात किया है अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट असेंबली बजट आएंगे उसमें पास करेंगे तो पास हुआ ही नहीं। और जैसे विश्वास नहीं हुआ कारण ये है 25 करोड़ 10 मंथ्स पेंडिंग होते हुए उसी समय में 25 करोड़ जो वहाँ से दिया था उसको ही पूरा नहीं देता है तो फिर अभी वहाँ से जितना भी करोड़ आओ तो वो कैसे मिलेंगे वही मिलेगा नहीं मिलेगा वो बहुत पीछे का बात है। फिर भी वो बिलीव नहीं करता आने वालों को फिर लेके जाता है तो और फिर अभी तो ये बहुत दूर का बात है। अभी हम लोग हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट से दो बार सीटें आया तो लास्ट में आया मे महीने का 15 तारीख के पहले उनको जैसे भी रिवोक करना है क्योंकि उन लोग को गलती है ही नहीं है पर अभी वो लोग दिया ही नहीं है इसलिए फिर भी वो लोग अभी रिवोक नहीं किया है। तो इसके लिए हम जो एम्प्लॉय वा जो भी हम लोग कंडेमनेशन केस भी दिया वो ऑर्डर भी आया फिर भी उसको वो लोग पीएस नहीं मानता है। तो इसलिए हम तो मीडिया के द्वारा पूछना चाहता हूँ आप लोग कौन से चीजें को यहाँ में फॉलो करते हैं जैसे दिमाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानता ये आश्चर्य बात है सोचने से। ऐसे लगता है कि यहाँ का जो दिमाग जो काउंसिल जो चला रहा है ये 30 डिपार्टमेंट है तो 10 सेक्रेटरी है यहाँ पर तो 30 डिपार्टमेंट को 10 जो सेक्रेटरी से कोई एक सेक्रेटरी से 2 डिपार्टमेंट कोई एक से 3 सार कोई ऐसे सलाहते हुए यहाँ लगभग साल में 160 करोड़ जैसे आ रहा है ना तो उसको वो लोग क्या करता है कमीशन खाते हुए वो लोग रह जाता है उसमें वो लोग बिजी हो जाता है सेक्रेटरी लोग 200 खुला खुली बात है हम लोग के साथ पूरा प्रूफ है अगर चाहे तो अभी भी हम लोग खुला खुली कर सकते हैं ऐसा है। तो इसे होता है फिर हमारे जो एम्प्लॉय लोग ये है उस लोग को सैलरी नहीं दे पाता डायरेक्ट वो लोग ही मीन है वो लोग ही मीन नहीं करप्शन अरे सब सेक्रेटरी भी है 200 सेक्रेटरी है ना 200 सेक्रेटरी में कोई तो एक डिपार्टमेंट लेता है कोई तो 2 डिपार्टमेंट लेता है उनको क्या क्या मैं ये करता है तो उसमें वो लोग ले लेता है। देखिए 160 करोड़ में जो मतलब कि कंटेंटेंसी जो फंड होता है 5.75 उसमें से तो 25 करोड़ 30 करोड़ जैसे मतलब आ जाता है वहाँ से सैलरी भी दे मतलब दे सकता था कुछ महीने के लिए 3 महीना बोलो 4 महीना बोलो फिर भी वो लोग देते नहीं करते नहीं वो लोग ऐसे माफी यहाँ फंक्शन चल रहा है इसलिए हम लोग देखो हाईकोर्ट का बात भी वो लोग नहीं मानता है
इसलिए मीडिया का द्वारा बार बार मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन से लॉ को आप लोग यहाँ में धारण करता है, ये फ्लो करता है,